नमस्कार। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। कई सारे लोगों ने मुझे कॉल किए, कमेंट किए, कई सारे लोगों के मैसेजेस भी आए कि सर आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल रूटीन वर्क में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था पिछले कई दिनों से, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियो मिले, जिससे कि आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान में हेल्प मिलती रहे, जो मैं पिछली कई दिनों से कर रहा था। तो आज जो मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको धोलेरा के अंदर मिलेगी, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझसे कॉल करके पहले पूछा था कि सर ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो हमको हमारे शहर में नहीं मिल रही हैं, धोलेरा के अंदर मिलेगी। तो उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे धोलेरा के अंदर आपको वहां पर मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। देखिए, फैसिलिटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जी हाँ, यह अनाउंसमेंट इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट में और धोलेरा के जो भी नए अपडेट्स हैं उसके बारे में शायद आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन होगी, और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप धोलेरा के बारे में समझेंगे, और फिर इन द लास्ट और अच्छे से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और उस अनाउंसमेंट को आप छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको धोलेरा के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धोलेरा के अंदर 250 मीटर का हाईवे, जी हाँ, अराउंड 820 स्क्वायर फीट का हाईवे आपको देखने को मिलेगा, और यह अपने भारत का सबसे बड़ा हाईवे होगा। सबसे पहला हाईवे जो कि इतना बड़ा बनाया जा रहा है वो केवल और केवल धोलेरा के अंदर बन रहा है। दूसरी बड़ी बात, धोलेरा के अंदर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे फिर वो मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, या फिर एक्सप्रेसवे की, या फिर एयरपोर्ट की। जी हाँ, आपने सुना होगा कि धोलेरा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। मेट्रो की व्यवस्था, मतलब कि अहमदाबाद टू धोलेरा आपको मेट्रो की व्यवस्था देखने को मिलेगी, रेलवे की फर्स्ट क्लास की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको केवल और केवल धोलेरा में पहली बार देखने को मिलेगी कि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी किसी शहर को मिल रही है, वो केवल और केवल धोलेरा है। अब तीसरी बड़ी बात कर लेते हैं हम कि जो भी लाइन आपको आपके प्लॉट में मिल रही है, चाहे वो आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की हो, चाहे वो आपकी फ्रेश वाटर की हो, या फिल्टर वाटर की हो, या फिर इलेक्ट्रिक वायर की हो, या फिर गैस पाइपलाइन की हो, यह सारी सुविधाएं 24/7 आपको धोलेरा के अंदर देखने को मिलेगी। जो आपको अलग अलग शहरों में देखने को मिलती है कि अगर आपकी गैस खत्म हो गई तो आप गैस वाले को फोन करते हैं, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप लाइट वाले को फोन करते हैं, या फिर आपका कूड़ा अगर इकट्ठा होगा तो आप नगर निगम वालों को कॉल करते हैं। ये सारी परेशानियां आपको धोलेरा के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहां पर सब ऑटोमेटिकली है, कुछ भी मैनुअली नहीं है। अगर आपका कचरा इकट्ठा हो गया तो कचरे में आपके घर के अंदर ही आपको ऐसी फैसिलिटीज दी जाएगी कि उसके अंदर आप कचरा डाल सकते हैं, सीधा कचरा आपके घर से और सोसाइटी से बाहर निकल जाएगा। गैस की पाइपलाइन आपके घर में एलिवेट होगी तो कभी भी आपको गैस के लिए किसी के लिए कॉल नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आपको धोलेरा के आपके प्लॉट के अंदर मिलेगी तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक मैन को कॉल नहीं करना है, ना तो आपको कभी फिल्टर वाटर या फिर फ्रेश वाटर की परेशानी आएगी। ये सारी सुविधाएं आपको 24/7 मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा धोलेरा में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि धोलेरा के अंदर एजुकेशन हब सेपरेट बनाया जा रहा है, आईटी हब सेपरेट बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात धोलेरा की कि धोलेरा के अंदर जॉब क्रिएशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन जोन की, जहां पर अभी करेंटली डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पर 96,000 अराउंड लोग रह सकते हैं, और जॉब क्रिएशन जो है वो है 76,000। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि यहाँ पर 96,000 लोग रहेंगे और 76,000 जॉब क्रिएट होंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अराउंड एक फैमिली से एक या दो लोग जॉब पर लग सकते हैं, एक ही फैमिली से। तो कितनी बड़ी बात है, पूरी धोलेरा में ऐसी स्कीम को लागू किया जाएगा। कहीं पर अगर 2 लाख लोग रह रहे हैं तो वहां पर 1 लाख कम से कम जॉब होगी, कहीं पर अगर 10 लाख लोग रह रहे हैं तो वहां पर कम से कम 7 लाख जॉब होंगी। मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर आप रह रहे हैं वहीं पर आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमने इंजीनियरिंग की रखी है, या पीएचडी की रखी है, या एमबीए किया रखा है, तो हम लोगों को अपने शहर से, अपने गांव से, अपने घर से काफ़ी दूर जॉब के लिए जाना पड़ता है, चाहे हम दिल्ली जाएं, बेंगलोर जाएं, या नोएडा जाएं, और जो हमारे शहरों से काफ़ी दूर हो जाता है कभी कभी, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना घर छोड़कर हम जॉब के लिए केवल और केवल बाहर रहते हैं। यह परेशानी आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी, आप वहीं रह सकते हैं और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग वहाँ आपको जॉब मिल सकती है,
क्योंकि वहाँ पर आईटी हब भी होगा, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी होगा, वहाँ पर हाईटेक हॉस्पिटल्स भी होंगे, वहाँ पर हाईटेक कॉलेजेस भी होंगे जो आपके आपको टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब दिलवा सकते हैं। अब बात आती है स्पेशल अनाउंसमेंट की। जी हाँ, क्या है वो स्पेशल अनाउंसमेंट जिसके लिए मैंने आपको लास्ट तक रोक कर रखा था, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, स्पेशल अनाउंसमेंट यह है कि हम हर संडे एक लाइव सेशन किया करेंगे। जी हाँ, 12 से 1 बजे तक, मतलब कि दोपहर 12 से दोपहर 1 बजे तक हम एक लाइव सेशन किया करेंगे जिसमें हम 1-to-1 कम्युनिकेट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर दूंगा। यह पूरा लाइव चलेगा, लाइव वीडियो के अंदर यह पूरा सेशन चलेगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हुआ करेंगे ऑन द स्पॉट मैं उनके आंसर दूंगा। इससे होगा क्या, आप लोगों को मैं फायदा बता देता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी हम आपको कॉल कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एक मेन फायदा बता देता हूं मैं इसका कि देखिए क्या होता है, कभी कभी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे मन में नहीं आते लेकिन दूसरों के मन में आते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि कई सारी चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं, मतलब कि छूट जाती हैं। लेकिन अगर लाइव सेशन में कई सारे लोग मिलकर क्वेश्चंस को पूछेंगे तो मुझे लगता है इसको सबको फायदा होगा, सबका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बेटर तरीके से सही जगह पर लो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हाई प्रॉफिट वाला होगा। तो उम्मीद है कि अब आप हर संडे इस लाइव सेशन को अटेंड करेंगे। आने वाला लाइव सेशन जो है वो कि कल है 12 से 1 बजे तक, कल हम बैठेंगे, कल संडे है, तो उम्मीद है कि आप उसको अटेंड जरूर करेंगे और आपके लिए यह बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अटेंड जरूर करना। तो ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए। बाकी अगर आप धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर धोलेरा के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर धोलेरा के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।